टॉक आप सब जानते हैं यानी उसके बारे में बात करना ठीक है हम इसे टॉक भी बोल सकते हैं हम इसे लेक्चर भी कंसीडर कर सकते हैं क्लियर सो so, ये जो चैप्टर है ये किस पे बेस्ड है द सर्वन एट बनारस यानी बनारस में जो रिलीजियस या जो मॉरल लेक्चर दिया गया उसके बारे में ये बात करता है अब वो लेक्चर दिया किसने तो यस ये जो पिक्चर आपके सामने है बहुत क्लियरली डिपिक्ट कर रही है कि लेक्चर देने वाले इज नन अदर देन गौतम बुद्धा ठीक है तो यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्धा के बारे में उनकी लाइफ के बारे में एंड जो सामन, जो लेक्चर उन्होंने बनारस में दिया था वो इतना सिग्निफिकेंट क्यों है वो इतने इंपॉर्टेंस क्यों रखता है उसमें क्या मैसेज दिया गया है वो हम पढ़ने वाले हैं ठीक है फाइन लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो टाइटल है बुद्धा क्या ये स्टार्टिंग से था नो no. बुद्धा जो है एक टाइटल है जो उन्हें बाद में दिया गया क्यों दिया गया कब दिया गया कैसे दिया गया एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर वाइल रीडिंग दिस चैप्टर ये सब हम कवर करेंगे इस चैप्टर को पढ़ते हुए ठीक है ऑल राइट लेट्स बिगिन द चैप्टर गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam. Very important, यानी ये शुरू से जो थे वो एक मॉन्क नहीं थे ठीक है पहले क्या थे ये एक प्रिंस थे राइट ही बिलोंग टू रॉयल फैमिली शाही परिवार से बिलोंग करते थे एंड ही प्रिंस जिनका रियल नेम क्या था सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया ठीक है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये जो है एक राज्य के प्रिंस थे राजकुमार थे एट ट्वेल्व यानी कि जब ये ट्वेल्व इयर्स के हुए ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी कि वेन ही अटेंड ट्वेल्व इयर्स ऑफ एज जब वो बारह साल के हुए तो उनको स्कूलिंग के लिए कहां भेजा गया उनको क्या पढ़ने के लिए भेजा गया हिंदू सिक्रेड स्क्रिप्चर्स वट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेड स्क्रिप्चर्स चिल्ड्रेन सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र ठीक है और स्क्रिप्चर्स का मतलब जो शास्त्र होते हैं ठीक है धार्मिक शास्त्र जो होते हैं यानी कि जिनके अंदर मैसेजेस होते हैं जिनमें कोटेशन होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किसी भी रिलीजन का जो है वो एक्चुअली जिस्ट क्या है कोई भी रिलीजन क्या मैसेज दे रहा है वो क्या होते हैं शास्त्र होते हैं ठीक है तो यानी कि सिद्धार्थ गौतम जब बारह साल के थे तो उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया किस क्या पढ़ने के लिए हिंदू पवित्र शास्त्रों की पढ़ाई के लिए उन्हें भेज दिया गया स लेटर यानी चार साल बाद टर्स के एज में उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया और फोर ईयर्स लेटर यानी कि जब वो सिक्सटीन ईयर्स के हुए ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस वो जब वापस घर आए तो एक राजकुमारी के साथ उनकी शादी कर दी गई दे हैड सन उनके एक बेटा हुआ एंड लिव फॉर टेन ईयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी और वो लोग दस साल तक उन्होंने जो है वो रॉयल लाइफ जी व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिफिटेड रॉयल्टी यानी कि जितनी उनको जीनी चाहिए थी बिफिट का मतलब होता है उपयुक्त ठीक है जितनी सफिशियंट होती है तो जितनी दस सालों तक जितनी वो जी सकते थे उतनी उन्होंने रॉयल लाइफ जी बट आफ्टर दैट उन्होंने अपना जो रास्ता है अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर ली क्यों चेंज कर ली किस तरफ चेंज कर ली लेट्स सी एज ऑफ ट्वेंटी जब वो 25 years के हुए का का मतलब मतलब क्या क्या होता है 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 इससे पहले ठीक पे यानी कि जब तक ट्वेंटी फाइव ईयर के हुए उससे पहले जो है ने जो है प्रिंसिंग ऑफ द शील्डेड का मतलब क्या होता है प्रोटेक्टेड so, मतलब राइट मतलब क्या, right? क्या आपने किसी भी राजा को या किसी भी Prince को सफर करते हुए देखा है ऐसे आपने देखा है कि वो किसी से जाके यू you नो know, भीख मांग रहा है किसी से पैसे मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो या वो बोल रहा है मुझे बहुत भूख लग रही है मुझे खाना दे दो नहीं उसे इन परेशानियों के बारे में पता ही नहीं होता है राइट स्पेशली जो राजाओं के बच्चे होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे जो है दुनिया के हर तकलीफ से दूर रहे दूर रहना इज अ डिफरेंट थिंग वो ये पूरी कोशिश रहती है उन्हें पता ही ना चले कि दुख होता क्या है राइट उनके लिए जो सौरव है जो सैडनेस है ये टर्म्स ही उनकी लाइफ की डिक्शनरी में नहीं आने दिए जाते हैं ठीक है तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक प्रिंस ट्वेंटी फाइव ईयर्स के हुए उन उ, उस यू नो ड्यूरेशन तक उनकी लाइफ प्रोटेक्टेड थी पूरी तरह से किसी भी तरह की सफरिंग से किसी भी तरह की परेशानी से किसी भी तरह के ट्रबल से ओके बिकॉज ही वॉज अ प्रिंस वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन ओके अब क्या हुआ उनकी लाइफ जो है वो चेंज कब हुई यानी एक दिन वो हंटिंग के लिए बाहर गए शिकार पे गए ठीक है एंड ही इज अक्रॉस बाई चांस यानी चांस जो है उन्होंने देखा किसको देखा वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये चीज याद रखनी है नंबर वन बीमार आदमी को देखा उन्होंने देन एन एजेड मैन एक बूढ़े आदमी को देखा देन फ्यूनरल प्रोसेशन फ्यूनरल प्रोसेशन जनरल जब किसी की डेथ हो जाती है तो आपको पता है कि डेड बॉडी को लेके जाना पड़ता है ना और लोग उसके साथ साथ जाते हैं चाहे वो शमशान जा रहे हो चाहे वो ग्रेवयार्ड जा रहे हो राइट तो वो होता है फ्यूनरल प्रोसेशन ठीक है एंड फाइनली बेगिंग केम अक्रॉस बाय फॉर आर्म्स आर्म्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे ए एल एम एस वेनाउंस इट एज आर्म्स ओके आर्म्स का मतलब क्या होता है भिक्षा ठीक है आपको पता है जो मॉन्क्स होते हैं जो साधु होते हैं वो भिक्षा मांगते हैं अपने सर्वाइवल के लिए राइट right? तो ये चार जो 1 2 3 एंड 4 यस ये जो चार लोग हैं या या बोल सकते हैं ये फोर डिफरेंट फेजेस हैं डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सफरिंग्स अलग-अलग परेशानियों के रूप में प्रिंस ने देखा सिद्धार्थ गौतम इनको देखा कौन कौन थे पहले थे एक सिक मैन एक जो बीमार इंसान थे वो सेकेंड एजेड मैन जो बूढ़े थे थर्ड एक फ्यूनरल प्रोसेशन और फोर्थ कौन थे अ एक साधु जो कि कि भिक्षा मांग रहे थे ठीक है यानी जब सारी चीजें देखी साइट का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन दृश्य ये जब चीजें उन्होंने देखी इन चार चारों तरह के लोगों को इन्होंने देखा सो मूव हेम सो मूव यानी कि इनको इतना ज्यादा अंदर से ये चीज फील हुई ठीक है उट इन टू दर्ल्ड को देख के गौत, you know, सिद्धार्थ गौतम ने यह मन बना लिया था कि ये जो सफरिंग है ये जो परेशानियां हैं इनके बारे में जानने के लिए एनलाइटन होने के लिए एनलाइटन का मतलब क्या होता है अवेयर होना किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ठीक है मोक्ष प्राप्त करना बेसिकली मोक्ष प्राप्त करना क्या होता है कि आपको संसार की दुनिया की इस वर्ल्ड की किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता है ठीक है आपको बस जो होता है वो आप ये पूरी कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में जितने भी परेशानियां हैं वो तकलीफें हैं आपको वो पता चल सके और आप उनको दूर कर सके ठीक है राइट सो इट इज बेसिकली अ कनेक्शन ठीक है बिटवीन योर सोल एंड गॉड तो यहां पे भी ये एनलाइटन खुद को एनलाइटन करने के लिए अवेयर करने के लिए इन्होंने सोचा कि नाउ जो जो मैंने परेशानियां विटनेस की है विटनेस का मतलब क्या है यहां पे जो इन्होंने देखी है खुद ठीक है वो जो चारों डिफरेंट ऑफ थे परेशानियां थी ट्रबल्स थे वो जो इन्होंने विटनेस किया है इन सभी को वो क्या कर रहे हैं अब वो क्या इन सबको देखते वो क्या चाह रहे थे वो एनलाइटेंड होना चाहते थे वो चाहते थे कि बहुत मैंने जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर लिया एक रॉयल लाइफ मैंने जी ली है बट नाउ इट्स टाइम टू थिंक अबाउट दीज पुअर एंड सफर यू नो दीपल हु आर सफरिंग ओके He wandered for seven years. Wandered का मतलब क्या होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू another. यानी yani एक जगह से दूसरी जगह पे जाना इसको कहते हैं wander, okay? so he wandered for seven years. वो सात साल तक एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे किसकी खोज में कि उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए एंड फाइनली sat अ स्टेट ऑफ हाई डाउन अंडर अ पीपल ट्री और फाइनली उन्हें एक पीपल ट्री मिला और वहीं पे वो जो है बैठ गए उड वर्उ vowed? Vowed का मतलब होता है कसम खाना उन्होंने ये चीज ठान लिया था रेजल्यूट कर लिया था कि जब तक की मैं एनलाइटेंड नहीं हो जाता जब तक की मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती मैं यहां से नहीं उठूंगा एनलाइटेंड आफ्टर सेवन डेज यानी कि सात दिनों बाद जब उन्हें इस चीज का रियलाइज हुआ कि उन्हें एनलाइटमेंट यानी कि अवेयरनेस आ गई है उन्हें कुछ चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ है ही रीनेम्ड द ट्री द बौधि ट्री उन्होंने उस पेड़ को क्या नाम दे दिया द बौधि ट्री ठीक है यानी क्योंकि उस पेड़ के नीचे बैठने से जो है उन्हें नॉलेज मिली थी बुद्धि मिली थी ठीक है इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया बौद्धि ट्री ट्री ऑफ विज्ञान का पेड़ एंड टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग अब क्या होता है ज्ञान एक ऐसी चीज है नॉलेज एक ऐसी चीज है कि अगर आप अपने पास रखते हैं ठीक है तो वो क्या होती है कम होती है अनलाइक मनी राइट आप ज्ञान को जितना बांटेंगे आप नॉलेज अपनी जितनी शेयर करेंगे जितनी स्प्रेड करेंगे वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती है ठीक है तो उन लोगों से ज्यादा कोई भी यू नो माइजर नहीं हो सकता कंजूस नहीं हो सकता जो ये सोचते कि नहीं अगर हमें ये चीज़ नॉलेज है तो ये हम किसी और को नहीं बताएंगे क्योंकि अगर हमने किसी और को बताया तो उसको भी पता चल जाएगा और हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा वाइज हो जाए ठीक है तो जिनकी ऐसी सोच है वो कभी भी उससे ज्यादा नॉलेज नहीं ऑप्टेन कर सकते उससे ज्यादा सीख नहीं सकते ठीक है सो नॉलेज इज सच नीड टू स्प्रेड यू नीड टू शेयर इसी तरह से गौतम बुद्ध को भी जब एनलाइटमेंट जो है रिसीव हुआ तो उन्होंने क्या सोचा कि इसके बारे में वो सब इस बारे में सबसे बात करेंगे और इसको सबके साथ शेयर करेंगे एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा और उस वक्त जब उन्हें नॉलेज की प्राप्ति हुई नॉलेज ऑप्टेन उन्होंने कर ली उसके बाद उन्हें क्या टाइटल मिला द बुद्धा बुद्धा का मतलब क्या है द अवेकेंड और यानी कि जिसके पास ज्ञान है ज्ञानी है जो कि अवेयर है उसको हमने नाम दे दिया बुद्धा द बुद्धा प्रीस्ट हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस और उन्होंने अपना पहला सर्मन आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्मन एट बनारस तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गौतम बुद्ध का पहला सर्मन था पहला लेक्चर था ठीक है पहला रिलीजियस लेक्चर था ठीक है एट द सिटी ऑफ बनारस पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक उसको कंसिडर किया जाता है राइट डिपिंग places का मतलब बेदी आपको पता है कि लोग जो है यहाँ पे यू you नो know, स्नान करने जाते हैं और ये uh, मानना है कि वहां पे स्नान करने से क्या होता है पाप जो है वो सारे धुल जाते हैं राइट right? तो ये सारे अलग अलग तीर्थ स्थान होते हैं जहां पे लोग जाते हैं तो बनारस जो है उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है वो जो sermon जो है, वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है ठीक है और यहाँ पे वो शेयर करेंगे इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग और इस सर्मन के बारे में किसके बारे में बताया गया है वन इनस्क्रूटेबल इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है जिससे जो हम समझ नहीं सकते ठीक है जो हमारे समझ से परे है इट इज बियॉन्ड आर अंडरस्टैंडिंग क्लियर तो वो कौन सी सफरिंग है जो हमारे बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है जो हम नहीं समझ पाते ये जो आसान नहीं है जिसे समझना ठीक है वो है डेथ ठीक है ऑलराइट सो इसी चैप्टर के अंदर गौतम बुद्धा ने इसी यू you नो know, इसी पर्टिकुलर सफरिंग के बारे में बताया है कि लोग अक्सर क्या करते हैं जब हम किसी भी अपने यू नो लव्ड वन को लूज़ करते हैं जो हमारे क्लोज होता है या हम सुनते हैं कि किसी के घर में यू नो you know, कोई गुजर गया है किसी की डेथ हो गई है सो इट इज़ रियली लैमेंटिंग राइट वो बहुत बुरा फील होता है एंड आप सोचिए अगर घर में किसी की डेथ हो जाए तो इट्स लाइक वी फील हार्ट ब्रोकन हमें उस वक्त ऐसा फील होता है कि ये क्या हो गया वी आर नॉट एबल टू यू नो एक्सेप्ट द ट्रूथ हम ये एक ऐसी सच्चाई है कि जिसे एक्सेप्ट कोई करना ही नहीं चाहता है ओके okay? इसी तरह से इनका ये जो सर्मन है इनका ये जो लेक्चर है यहाँ पे एक ऐसी ही लेडी है एक ऐसी ही वुमन है जिसका बेटा जो है उसकी डेथ हो जाती है वो उसका यू नो ही वॉज द ओनली सन वो इकलौता बेटा था जिसकी डेथ हो जाती है बट बींग अ मदर यू नो एक माँ के लिए ये एक तरह से चीज़ इम्पॉसिबल होती है एक पेरेंट के लिए इम्पॉसिबल होती है ये एक्सेप्ट करना कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है ठीक है तो यहां पे इस चैप्टर के अंदर उसी तरह से उस वुमन की सफरिंग बताई गई है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि उसका बेटा जो है अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन कैसे उसे समझ आता है कि जो डेथ है वो भी एक अल्टीमेट फैक्ट है वो एक ट्रूथ है वो एक ऐसा सच है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते और जो भी मॉर्टल्स है इस दुनिया में मॉर्टल्स कौन होते हैं जिनको जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है है ना इम तो हम है नहीं ह्यूमन बींग्स आर नॉट इम वी ऑल आर मॉर्टल्स यानी हम सभी को मरना है हम सबको डिके होना है तो ये जब फैक्ट उसको समझ आ जाता है देन शी इज अ काइंड ऑफ रिलैक्स्ड ओके फाइन लेट्स सी रिलैक्स कैसे समझ आता है किसा गौतमी हैड एंड ओनली सन ठीक है उनके एक ही बेटा था किसा गौतमी के एंडकी डेथ हो जाती है इन हर ग्रीफ ग्रीफ का मतलब क्या होता है सोरो ठीक है इनहर ग्रीफ शी कैरी द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स वो अपने बच्चे को लेके अपने सारे पड़ोसियों के पास में जाती है आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेज द बॉय इज डेड यानी वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेके सब जगह अपने पड़ोसी के पास जाती कि प्लीज मुझे कोई दवाई दे दो मेरा बच्चा जो है वो ठीक हो जाए मेरा बच्चा वापस जिंदा हो जाए प्लीज मुझे कोई दवाई दे दो और पड़ोसी कैसे रिएक्ट करते हैं कि ये औरत तो पागल हो गई है क्योंकि इसका इकलौता बेटा मर चुका है तो शायद इसने अपने सेंसेस जो है वो सारे खो दिए हैं और इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि द बॉय इज डेड जो बच्चा है वो मर चुका है ऐट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हो रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट और कुछ दूर चलने पर एट लेंथ का मतलब होता है थोड़ी दूर वो और चली वो रुकी नहीं वो वहां बैठी नहीं रही वो थोड़ा और आगे चली क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा जिंदा हो जाए तो फाइनली उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसने उसकी बात को सुना रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट का मतलब उन्होंने उसको अटेंशन दी उन्होंने उसको ये नहीं बोला कि तुम पागल हो जाओ बेटा तुम्हारा मर चुका है नो उन्होंने उसकी बात को सुना क्योंकि वो जानते थे कि वो जो स्टेट में वो जिस स्टेट में थी वो वैसा नहीं था कि उसको कुछ समझाया जा सके ठीक है तो उन्होंने उसकी बात को और कहा आई के नॉट गिव योर यानी कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता बट आई नो अ फिजिशियन कैन लेकिन मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है एंड और किसा गौतमी ने कहा pray, tell me, sir, who is it? है वो एंड द मैन रिप्लाइड और उन्होंने क्या जवाब दिया गो टू सक्या मुनि द बुद्धा ठीक है जो सक्या मुनि है उनके पास जाओ वो बुद्धा है वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे किसा गौतमी रिपेय टू द बुद्धा रिपेयर्ड टू का मतलब क्या होता है वेंट टू रिपेयर्ड टू एक स्टाइलिश वे है वेंट टू यानी जाना को बोलना ठीक है सो किसा गौतमी वेंट टू बुद्धा वो बुद्धा के पास गई एंड क्राइड और कहा लॉर्ड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय मुझे एक ऐसी दवाई दे दीजिए जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे जो मेरे बच्चे की जिंदगी वापस ले आए द बुद्धा answered और उन्होंने जवाब दिया बुद्धा ने जवाब दिया आई वॉन्ट ऑफ मस्टर्ड सीड मुझे भर जो है है चाहिए mustard seed क्या होती एंड वेन द गर्ल इन जॉय प्रोमिस और वो लड़की बड़ी खुश होगी किसानी बड़ी खुश होगी अरे वाह मैं राई लेके आऊंगी और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उसने खुशी खुशी कहा कि ठीक है मैं ले आऊंगी प्रोक्योर का मतलब होता है टू गेट इट जो ट्विस्ट था वो ये था कि बुद्धा ने एक बात एड की उसमें कि वो मस्टर्ड सीट लानी है लेकिन कैसे लानी है द मस्टर्ड सीट मस्ट बी टेकन फ्रॉम असन नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड हसबेंड पेरेंट और फ्रेंड मस्टर्ड सीड एक ऐसे घर से लेकर आना है जहां पे ना किसी ने अपना बच्चा खोया है ना कोई पेरेंट खोया है ना कोई रिश्तेदार खोया है और ना ही कोई दोस्त खोया है ना अपने पति को खोया है ठीक है तो यहाँ पे एक कंडीशन आ गई किसा गौतमी के सामने कि उसे एक ऐसा घर चूज करना था और वहीं से मस्टर्ड सीड लेकर आनी थी जहां पे किसी ने ना अपना पति खोया हो ना अपना बच्चा खोया हो ना अपना दोस्त खोया हो और ना ही कोई अपना पेरेंट खोया हो ठीक है और यहां पे भी वो समझ नहीं रही है because as I discussed, आपने पहले भी ये डिस्कस किया है कि उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी या वो ऐसे मेंटल स्टेट में नहीं थी कि वो उस चीज को समझ पाए कि ऐसा कभी घर हो ही नहीं सकता कि जहां कोई भी ना मरा हो राइट right? पुअर किसा गौतमी उस टू हाउस एंड दीपल पिटीड किसमी जो है वो हर घर मतलब घर घर जाके और मदद मांगने लगी कि कोई मुझे होता है टू शो सिंपथी दया दिखाना टू शो यू नो पिटी ओके तो उन्होंने सब दया दिखाई और लोगों ने बोला हियर इज द मस्टर्ड सीट टेक इट ये लो तुम ले लो यहाँ की जो मस्टर्ड सीट है बट वेन शी आस्ट डिड अ सन और डॉटर अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली लेकिन जब वो एक क्वेश्चन करती थी क्या तुम्हारे घर में कोई भी तुम्हारा बेटा बेटी माता पिता कोई भी मरा है दे आंसर्ड हर उनके जवाब क्या होते थे अलास द लिविंग अ फ्यू अलास क्या है एक एक्सप्रेशन है और वो कहते हैं

किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस अब जो है किसा गौतमी थक चुकी थी अलग अलग घरों में जाके मदद मांगने से ये सवाल पूछते पूछते weary का मतलब क्या होता है टायर्ड ओके शी वॉज वेरी टायर्ड कि वो परेशान हो चुकी थी थक चुकी थी एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द of ऑफ द सिटी और घूमते घूमते वो एक जगह जो है वो बैठ गई शहर में जो लाइट्स लगी हुई थी उनको देखने लगी उन लाइट्स की तरफ घूमने लगी

उसने सब जगह रेन रेन का मतलब क्या होता है बच्चों रेन का मतलब होता है रूल करना ठीक है Obviously, आप कितनी भी रोशनी क्यों ना चला लें लेकिन अंधेरा जो होता है रात के समय में जो अंधेरा है वही पावरफुल होता है है ना उसी तरह से दिन के टाइम में आप कितना भी अंधेरा कर लें जो रोशनी होती है वो पावरफुल होती है ओके तो यहाँ पे रात का अंधेरा फाइनली सब जगह छा गया यानी कि पूरी जगह जग, पूर सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग अगेन और ये जो चीज उसने देखी कि लाइट्स बार बार जल रही थी बुझ रही थी जल रही थी बुझ रही थी फाइनली किसा गौतमी इस चीज को रिलेट करने की कोशिश कर रही थी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही थी कि जो इंसान की जिंदगी है वो भी ऐसी ही है फ्लिकर यानी वो पैदा हो रहा है एक्सटिंग्विश यानी कि वो मर रहा है लाइट का जलना यानी कि इंसान का पैदा होना और एक्सटिंग्विश बुझना यानी कि इंसान का मर जाना ठीक है

ऐसा एक भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बींग जो है इस प्लान पे वो जिंदा नहीं रहने वाला जो भी पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही है पाथ दैट लीड्स has टू all ऑल लेकिन इन दिस वैली ऑफ desolation वैली का मतलब ये जो एरिया है desolation का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दुख दर्द ये एरिया कौन सा एरिया ये जो दुनिया है जो कि एक बहुत ही ज्यादा ऐसे चीजों से भरी है जहां पे आपको कभी दुख मिलेगा कभी होपलेसनेस मिलेगी कभी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा आप बार बार निराश हो जाएंगे आपको लगेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक सोरो ग्रीफ सैडनेस होपलेसनेस डिसअपॉइंटमेंट तो ये दिस इज द वैली ऑफ डिसोलेशन ये जो दिस इज द वर्ल्ड ये जो वर्ल्ड है क्या है एक वैली है किसकी सोरो की डिसोलेशन की दुख की निराशा की पाथ दीड्स हिम टू इमोटैलिटी इस दुनिया में भी ये जो निराशा भरी दुनिया है यहाँ पे तब भी एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को कहा ले जा सकता है अमर बनने की तरफ ले जा सकता है और जिसने सारा स्वार्थ जो है वो त्याग दिया है वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है वो दूसरों के लिए जीता है तो वो कैसे जो है वो इमोर्टल हो जाता है कि जो इंसान बहुत अच्छा होता है जो इंसान सबकी मदद करता है जो इंसान हमेशा सबका अच्छा ही सोचता है चाहे वो उस दुनिया से चला जाता है लेकिन लोग हमेशा उसे याद रखते हैं कभी भी कोई उसे भूलता नहीं है उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं राइट बिकॉज उन्होंने एक ऐसी आइडेंटिटी बनाई अपनी कि वो दुनिया के लिए जिए इसीलिए दुनिया कभी उसे नहीं भूलती और वो लोग क्या हो जाते हैं अमर हो जाते हैं इमोर्टल हो जाते हैं और फाइनली ये बात जो है किसा गौतमी को समझ आई ठीक है बुद्धा सेड और बुद्धा ने कहा द लाइफ ऑफ मोर्टल्स मोर्टल मरना ही है इन दिस वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया है यहाँ पे जो इंसान रह रहे हैं जिनको मरना है उनकी लाइफ कैसी है ट्रबल्ड है और छोटी है यानी कि परेशानियों से भी भरी हुई है और छोटी जिंदगी भी है राइट कंबाइंड विथ पेन जिसमें कहीं ना कहीं आपको पेन भी मिलेगा पेन इन द फॉर्म ऑफ डिसअपॉइंटमेंट सोरो राइट होपलेसनेस For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. और क्योंकि कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं कि जिसकी वजह से जो पैदा हुआ है वो मरना अवॉइड कर दे कि कोई मेडिसिन नहीं है कोई रास्ता नहीं है साइंस भी इस चीज के आगे फेल है कि यू you नो know, जो पैदा हुआ है उसे मरने से रोके आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ यानी बुढ़ापे के यू नो बुढ़ापे तक पहुंचने के बाद तो डेथ है ही है right? राइट तो सर्टेनिटी right? नहीं है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है ना तो एज क्राइटेरिया है ना कोई हेल्थ क्राइटेरिया है कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है जिसको जिंदा रहना है वो रहेगा बूढ़ा भी होगा लेकिन जिसके लिए डेथ पहले ही यू you नो know, लिखी जा चुकी है वो मर जाता है ठीक है उसको डेथ मिल जाती है सो दैट इज व्हाई इट्स सेइंग भी भी एक और ओल्ड एज आने पे तो भाई वो तो चीज डेफिनेट है ही कि वो इंसान मरेगा ही मरेगा बिकॉज़ उसके बाद उसके आगे कोई चा ऑप्शन नहीं है एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इनDanger ऑफ फॉलिंग यानी कि जिस तरह से फल पक जाते हैं किसी पेड़ पे तो क्या होता है वो पेड़ पे थोड़ी लगे रहेंगे फल जब पक जाते हैं तो फाइनली वो गिर जाते हैं पेड़ों से So, इसलिए जब भी कोई इंसान पैदा होता है बाउंड्रीज नहीं है क्राइटेरिया नहीं है तो जिस तरह से फल के पकने के बाद में एक रिस्क होता है कि कभी भी गिर जाएगा क्योंकि ये पक चुका है उसी तरह से जैसे ही इंसान पैदा होता है उसके लिए एक चीज ये बन जाती है कि कभी भी मर भी सकता है एज ऑल अर्दन वेजल्स पॉटर एंड इन बींगे जो बर्तन मिट्टी से बने होते हैं ठीक है थीके? जो, जो कुम्हार होता है वो मिट्टी से बर्तन बनाता है लेकिन फाइनली क्या होता है टूटते हैं सो इज द लाइफ ऑफ मॉटल्स और इसी तरह से इंसान की जिंदगी होती है बोथ यंग एंड अडल्टोज हुआ फूज एंड दो इन टू दावर ऑफ डेथ ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ चाहे कोई यंग है कोई छोटा है कोई जवान है चाहे बेवकूफ है कोई बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है सबको जो है वो डेथ को फेस करना है ठीक है ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ ओके यानी कि जो भी जिनको लगता है कि वो डेथ से ओवरकम हो गए हैं यानी डेथ से जीत गए हैं डिपार्ट फ्रॉम लाइफ वो जिंदगी से अलग हो जाते हैं डिपार्ट का मतलब होता है अलग होना A save his son. एक पिता अपने मतलब रिश्तों को, को नहीं बचा सकता मार्क वाइल रिलेटिव आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली यानी कि याद रखना की जब रेलेटिव रो रहे होते हैं राइट right? लेमेंटिंग का मतलब होता है रोना अपना दुख जाहिर करना वन बाय वन मॉटल आर कैरिड ऑफ ठीक है धीरे धीरे चाहे वो कितना भी रो ले चाहे वो कितना भी कोशिश कर लें लेकिन धीरे धीरे लोग जो है वो मरते जाते हैं लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर जिस तरह से एक ऑक्स को स्लॉटर का मतलब होता है मारना ठीक है स्लॉटर means टू किल जिस तरह से एक ऑक्स को जिस तरह से एक एक बैल को मारने के लिए ले जाया जाता है ठीक है और वो यू नो बहुत ही ज़्यादा सर्टिन होता है कि उसको मारा ही जाएगा उस तरह से इंसान जो है वो भी एक के बाद एक मरता रहता है चाहे उसके पीछे कोई भी रोए चाहे उसको कितने भी कोई, कोई कोशिश करे बट वो बचा नहीं सकता So इसलिए जो है है, वो affected है, प्रभावित है किसका असर है डेथ और डीके यानी इंसान मरता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है देर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव इसलिए जो वाइज लोग होते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस चीज पे दुख नहीं जाहिर करते वो लोग इस चीज को लेके निराश नहीं होते टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि उनको भी पता है, चीज़, अगर हम पैदा हुए है तो हमें मरना है हमारे जो आसपास के लोग नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट nor from grieving, will anyone obtain peace of mind. रोने से चिल्लाने से दुख करने से फील करने से किसी को भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा शांति नहीं मिलेगी ऑन द कॉन्ट्ररी ऑन्ट्ररी मीन्स ऑपोजिट हिज पेन विल बी ग्रेटर उसका दुख दुख और बढ़ जाएगा आप जितना किसी इंसान को रो रो के याद करते रहोगे आपका दुख बढ़ता ही जाएगा वो कभी ओवर नहीं होगा एंड बॉडी विल सफर और आपका शरीर जो है वो उसका नुकसान उठाएगा राइट आप जो भी हमारा जो है करीबी है इंसान वो जो चला गया है हमारे रोने से दुख जाहिर करने से वो वापस तो नहीं लौट के आएगा लेकिन आप खुद को ही तकलीफ देंगे आप अपने ब्रेन को अपनी बॉडी को एक तरह से सफर करवाते हैं और उसको पेन देते हैं ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल वो खुद को बीमार और कमजोर कर लेगा पेल का मतलब है वीक डेड आर नॉट से फिर भी जो मर चुके हैं वो आपके दुख से नहीं बच सकते आप कितना भी दुख कर ले वो वापस जिंदा नहीं हो सकते ही एरो ऑफ लेमेंटेशन जो एक्चुअली चाहता है उसको शांति मिले ठीक है सीख का मतलब क्या है सर्च और लुक फॉर ठीक है जो शांति ढूंढना चाहता है शांति की तलाश में है शुड ड्रॉ आउट यहाँ पे ड्रॉ का मतलब क्या है टू इजेक्ट निकाल देना क्या एरो ऑफ लेमेंटेशन जो इस तकलीफ ना दुख का आपने तीर अपने अंदर चुभा रखा है आपको उस तीर को निकाल के फेंकना होगा तभी दर्द कम होगा राइट जब तक वो एरो आपके अंदर है तकलीफ का यू नो दुख का आप उस चीज को बार बार फील करते जा रहे हैं उस उसपे सौरों एक्सप्रेस करते जा रहे हैं जब तक वो तीर निकाल के आप नहीं फेंकेंगे तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा वो दर्द देता ही जाएगा

ठीक है वो हमारे ही हाथों में होता है सो so, अगर आपको आपके पास पीस ऑफ माइंड है दैट यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिकॉज उसको कोई अमीर जमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता ओके सो वी डोंट हैव टू बी डिसंटेड वी हैव नॉट नॉट यू नो वी वी आर सपोज टू फील बैड फॉर दैट हैव लॉस्ट हमने जो भी खोया है हमें उसके बारे में दुख बार बार जाहिर नहीं करना चाहिए इनस्टेड वी शुड थिंक ऑफ मूविंग ऑन हमें आगे बढ़ने का सोचना चाहिए बिकॉज जो सच है वो नहीं बदलने वाला जो फैक्ट है वो वैसा ही रहेगा इन हमें उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा मेंटली अपने आप को ये यू नो एक्सेप्टेबल बनाना पड़ेगा कि चीजें ऐसी ही है और ऐसी ही रहेंगी हमारे किसी भी तरह के नेगेटिव रिएक्शन से चीजें चेंज नहीं होंगी ठीक है सो दिस वॉज द सर्मन दिस वॉज द लेक्चर जहां पे गौतम बुद्धा ने ये बताया कि डेथ जो है वो एक रियलिटी है सभी को इसको फेस करना है चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो आपको भी उसका उसको सफर करना है तो आपको मेंटली यू नो रेडी रहना पड़ेगा कि अगर ऐसा आपके आसपास हो रहा है तो आपको वहां पे चीख चीख के रो रो के या बार बार लाइफ टाइम उस चीज को आप ड्रैग करके चलोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज जो जा चुका है वो वापस नहीं आने वाला इंस्टेड आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा रेजिस्टिंग हो जाएंगे यार ये क्या है हमेशा इसको जब भी देखते हैं इसका मूड ऐसा ही रहता है तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है अप्रोच हमें अपने एटीट्यूड जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ अप्रोच बनाना है सो so दैट हमारे पास जो है पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट होके वापस आए ठीक है सो दिस वॉज द मैसेज ऑफ गौतम बुद्ध ऑल्सो कि उन्होंने किसा गौतमी को जो मैसेज दिया उनको ये एक्सप्रेस उनको फील करवाया कि डेथ जो है वो एक रियलिटी है और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा बेटा ही मरा है जितने भी घर हैं इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी ने अपनों को खोया है और जब फाइनली किसा गौतमी को ये बात समझ में आ गई तो उसने उस ट्रूथ को सच को एक्सेप्ट कर लिया और उसको पीस ऑफ माइंड भी मिला ठीक है सो so, दिस जिसमें हमें पता चला कि गौतम ने बहुत ही छोटी एज के अंदर अपनी जो रॉयल लाइफ थी उसको छोड़ के और वो एक एनलाइटनमेंट की तलाश में निकल गए और फाइनली जब सात दिनों के बाद में उन्हें एनलाइटनमेंट मिला उन्होंने उस पेड़ को क्या नाम दे दिया बौद्धि ट्री <laughs> और वो कहा था बनारस में और बनारस में ही उन्होंने अपना पहला सरमन दिया अपना पहला लेक्चर दिया जो अभी हम पढ़ रहे थे ठीक है ऑल राइट right. Let's look at the question answers. When her son dies, Kisa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? After the, after the death of Kisa Gautami's son, she was extremely sad and mournful. She carried his dead body in her arms and went from door to door asking for medicine to cure her child. But nobody could help her, as there is no such medicine which can bring life back to a dead person. Kisa Gautami again goes from house to house after she speaks with the Buddha. What does she ask for the second time around? Does she get it? Why not? Gautam Buddha asked Kisa to bring a handful of mustard seeds from a house where no one had ever died. Kisa Gautami went from door to door but couldn't find a single house where any, uh, where, where any person had not died. She could not get it as death is inevitable and none can avoid it. What does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? After failing to procure a handful of mustard seeds from a house where death had never knocked at the door, she sat down by the roadside feeling helpless. She saw the lights of the city that flickered and extinguished. At last, it was darkness everywhere. She realized that death was common to all and she was being selfish in her grief. Yes, this is what Buddha wanted her to understand—that everyone who is born has to die one day. Why do you think Kisa Gotami understood this only the second time? In what way did Buddha change her understanding? Earlier, she could see only her grief. When she went from door to door the second time, she understood that everyone was dealing with the loss she had gone through. Everyone, at some point or the other, have experienced the death of their loved ones. Gautam Buddha helped her to understand all this truth this way. All this. Help her to understand all this. Cut the truth. Or you can write, help her to understand the truth. This way she got aware that death knocks every single door. How do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with Kesa Gautami that she was being selfish in her grief? A selfish person thinks only about himself, and at one point, Kisa Gautami became selfish. We are not ready to accept the death of our loved ones, and hence are unaware of the way we react at that moment. Kisa Gautami came across the same situation and went to Sakya Muni to get his son back to life. Okay, so these were the questions of the chapter, the sermon at Benares. I hope you have understood this chapter very बहुत ही डीपली हमने हर चीज को डिस्कस किया है हर लाइन हर पैराग्राफ हर वर्ड को एंड दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू ओके सो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए अच्छे से चैप्टर को समझिए सो so दैट आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है so, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर की पोइट्री के साथ में स्टिल दैन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विदम इंटरनेशनल स्कूल टेक केयर गुड बाय